आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राज किरण। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बाद विरोध बढ़ता ही जा रहा है और इसी कड़ी में आज भाजपा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, तो कुछ रोज पहले एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूएन में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को आतंकवाद का हब बताया और उसे एक अच्छा पड़ोसी बनने की सलाह दी थी। अब इससे बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत की तरफ से मिली लताड़ के बाद पलटवार करते हुए सारी हदें पार कर दी और न्यूयॉर्क में एक प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई तक कह डाला। बिलावल ने कहा, मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। भुट्टो ने आगे कहा कि उन पर प्रधानमंत्री बनने तक इस देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा था। ये आरएसएस के प्रधानमंत्री और आरएसएस के विदेश मंत्री हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस हिटलर से प्रेरित है। ऑफ इंडिया दैट ओसामा बिन लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात लिव्स एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए एक बयान जारी किया। बिलावल भुट्टो को उस बयान के थ्रू जमकर लताड़ा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के विदेशी मंत्री का बयान असभ्यता से पूर्ण बताया। पाकिस्तान को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की ये टिप्पणियां पाकिस्तान के लिए भी एक नया निचला स्तर है। आपको बता दें कि इसी के खिलाफ भाजपा आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी और इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंकने की तैयारी है। भाजपा ने आगे कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री की टिप्पणी बेहद अपमानजनक और कायरता से भरी है। उनके बयान का उद्देश्य दुनिया को गुमराह करना और पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में अराजकता, सेना में बढ़ते मतभेदों और बिगड़ते वैश्विक संबंधों से ध्यान हटाना है। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।